दुबई में जितनी बारिश 150 साल में होती है वो 24 घंटे में हुई। बाढ़ से पूरा शहर डूब गया था, गाड़ियां नाव की तरह तैर रही थी। दुबई एयरपोर्ट से बहुत सी उड़ानें रद्द कर दी गई। कुछ का मानना है कि यूएई के क्लाउड सीडिंग के चलते बाढ़ आई है, तो कुछ कह रहे हैं कि बाढ़ का कारण क्लाइमेट चेंज है। वहीं कुछ अन्य का कहना है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया गया है, इसीलिए वहां बाढ़ आई है। आइए समझते हैं कि इस मामले का सच क्या है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, नकली बारिश। ये सही है कि दुबई पिछले कई सालों से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेनफॉल कराता रहा है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन वो तकनीक है जिससे आप विमान से बादलों में कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि उनमें जो बूंदे हैं वो इकट्ठी हों और बारिश बनकर बरसें। संयुक्त अरब अमीरात में तो ऐसा ही हो रहा है। चीन में भी बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग की जाती है। यूरोप में भी ये प्रयोग होता रहा है। नंबर 2, ओमान में भी बारिश। स्टडी में पाया गया है कि क्लाउड सीडिंग से 20-25% बारिश पड़ सकती है, लेकिन दुबई में जिस दिन यह घनघोर बारिश हुई उस दिन वहां क्लाउड सीडिंग नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि बारिश सिर्फ दुबई में ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में हुई थी। ओमान में तो दुबई से ज्यादा बारिश हुई, वहां काफी मौतें भी हुई हैं। ये जानना जरूरी है कि इतने बड़े इलाके में बारिश क्लाउड सीडिंग के कारण नहीं हो सकती। क्लाउड सीडिंग का थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, पर दुबई का एक्सट्रीम रेनफॉल इसके चलते नहीं हुआ है। नंबर 3, अत्यधिक बारिश। दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज की। मार्च अप्रैल मिडिल ईस्ट में बारिश का सीजन होता है। मिडिल ईस्ट में इतनी भयानक बारिश पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों से एक्सट्रीम रेनफॉल मिडिल ईस्ट में सामान्य बात होती जा रही है। अभी जो बारिश हुई है इसकी भी चेतावनी 2-3 दिन पहले दे दी गई थी। बताया गया था कि एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसके कारण तेज बारिश हो सकती है। नंबर 4, क्लाइमेट चेंज। हमने भारत में भी देखा है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि कितनी तेजी से बारिश हुई और कितना भयावह नुकसान हुआ। हमने सिक्किम में बांध टूटते देखा, माना जाता है कि वो भी बारिश के कारण ही टूटा था। दिल्ली में किसी किसी दिन तेज बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी के कारण रुक जाता है। मुंबई में भी ऐसे हालात पहले बन चुके हैं। दुबई की भयावह बारिश भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब और ओमान के रेगिस्तानों में भी इस तरह के एक्सट्रीम रेनफॉल की घटना बढ़ रही है। नंबर 5, गलत इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है। जिन्होंने शहर को डिजाइन किया उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बारिश होगी कि शहर डूब जाएगा। दुबई में स्टॉर्म वाटर ड्रेन है ही नहीं कि वो बारिश के पानी को बाहर निकाल सके। रेगिस्तान में इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और सड़कें बना दी गई हैं। इतनी भयानक बाढ़ का कारण है दुबई का अनप्लान्ड सिटी डेवलपमेंट। आज की तारीख में ये कंक्रीट और स्टील का शहर है। भारत में भी शहर अब कंक्रीट और स्टील के बन रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं हैं, सड़कें बन रही हैं। स्मार्ट वाटर ड्रेन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नंबर 6, प्रकृति से खिलवाड़। आज हमें वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। दुबई की बाढ़ के कारण इस पर बहुत चर्चा हुई है और ये जरूरी है कि इसे समझा जाए। बहुत से देश बिना अपने पड़ोसियों को बताए वेदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन ला रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। चीन का टारगेट 2025 तक 50 लाख वर्ग किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन कराने का है। ध्यान रहे ये इलाका भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.5 गुने से भी ज्यादा है। इससे भारत पर क्या असर होगा, चीन के बाकी पड़ोसियों पर क्या असर होगा, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा सभी देश टेक्नोलॉजी लाएंगे आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, जियो इंजीनियरिंग कराने के लिए। नंबर 7, जियो इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल रेनफॉल तो लोकल लेवल पर होगी,
लेकिन जियो इंजीनियरिंग ग्लोबल लेवल पर करने की बात हो रही है। किस तरह से सूर्य की किरणों को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट किया जाए, इसकी बात हो रही है। अलग अलग जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा चल रही है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के पूंजीपति भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। वहां की कुछ कंपनियां तो बिना बताए जियो इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही हैं। नंबर 8, भविष्य की समस्या। अब हमें जियो इंजीनियरिंग और वेदर मॉडिफिकेशन के लिए एक ग्लोबल गवर्नेंस पर बात करने की जरूरत है। अगर हम इस पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका, चीन, यूरोप के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड लेवल पर जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका असर जब एशिया और अफ्रीका के छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर और गरीब देशों पर होगा तो वे क्या करेंगे? दुबई में आई बाढ़ की बदौलत जब वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग पर चर्चा चल ही गई है, तो यही सही मौका है कि इस चर्चा को और व्यापक रूप देना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।